अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। एआर स्टेट फार्म की ओर से आयोजित घोड़ों की रेवाल चाल प्रतियोगिता को मिला बड़ा प्रतिसाद। एक से एक तगड़े और सुंदर घोड़ों को देखने का प्रबंधकर को मिला एक मौका। सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने ईरा इंटरप्राइजेस के माध्यम से परभनी को ब्रांडेड अत्याधुनिक मोबाइल और एक्सेसरीज की पेशकश के माध्यम से समूचे महाराष्ट्र में अपनी गुणवत्ता सेवा के लिए प्रतिष्ठा हासिल की है। सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है और सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एआर स्टेट फार्म की ओर से परभनी के पाथरी रोड लक्ष्मी नगर में घोड़ों की रेवाल चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में एआर स्टेट फार्म की ओर से प्रथम विजेता को 71,000 रुपये नकद, 500 ग्राम चांदी का मेडल और एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उसी तरह दूसरे इनाम वाले को 51,000 रुपये नकद और उसी के साथ साथ एक 300 ग्राम चांदी और एक ट्रॉफी इस तरीके से देते हुए तीसरे इनाम वाले को 31,000 रुपये नकद, 200 ग्राम चांदी और रजत पदक के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की गई। शहर में गुजरात राज्य, उत्तर प्रदेश, लातूर, औरंगाबाद, परली, परभनी जैसे विभिन्न अन्य राज्यों के भी प्रतियोगिताओं ने अपने घोड़ों के साथ हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 47 घोड़ों के मालिकों ने हिस्सा लेते हुए घोड़ों को अपने रिंगन में उतारा था। इस अवसर पर घोड़सवारों ने घोड़े के माध्यम से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। परभनीकर को सुंदर सुंदर और मजबूत घोड़े देखने को मिले और घोड़ों की रफ्तार और उनकी कलाबाजी को देखने का मौका परभनीकर को हासिल हुआ। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए परभनी के अलावा अन्य जिलों से भी लोग यहां पर शौकीन नजर आए। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, प्रथम पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, राजेंद्र उर्फ पामू सेठ सोनी, बाला साहेब वरपुड़कर, सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अबू बकर भाईजान, सैयद अब्दुल खादर, शेख इब्राहिम बसेरा, महानगर पालिका के पूर्व सभापति गुरमीर खान, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक फैजुल्ला खान पठान आदि के साथ विविध क्षेत्र के मान्यवर इस समय हाजिर थे। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को उपस्थित मान्यगणों के अतिथियों के हाथों द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार 71,000 रुपये नकद, 500 ग्राम चांदी का मेडल और ट्रॉफी हासिल करने का मान गुजरात के घोड़सवार के मालिक अंसार भाई इन्हें हासिल हुआ तो दूसरा इनाम 51,000 नकदी, 300 ग्राम चांदी का मेडल और एक ट्रॉफी हासिल करने का मान यहां के परभनी के शेख माजिद इन्हें हासिल हुआ है तो तीसरा इनाम 31,000 रुपये नकदी, 200 ग्राम चांदी का मेडल और ट्रॉफी हासिल करने का मान लातूर के अफजल शेख इन्हें हासिल हुआ है। इस समय एआर स्टेट फार्म की ओर से उत्तेजनार्थ के तौर पर युवती ने हिस्सा लेने के कारण उन्हें 11,000 रुपये नकदी और इनाम दिया गया और ट्रॉफी दी गई। इस प्रतियोगिता को कामयाब बनाने के लिए एआर स्टेट फार्म के अब्दुल रजाक, सैयद अबू हसन, एआर स्टेट फार्म के सभी सहयोगियों ने इसमें मेहनत लेते हुए इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को और प्रतियोगिता को कामयाब बनाया। नोवेम्बर 2023 आज एआर स्टेट फार्म के वती सेकेंड वर्ष म्हणजे दुसऱ्या वर्षी रेवाल चाल स्पर्धा घेण्यात आली। त्याच्यात टोटल 47 घोड्यांनी भाग घेतलाय। त्याच्यातील फर्स्ट प्राइज WS7 स्टेट फार्म गुजरात यांनी पटकवलाय, सेकंड प्राइज शेख माजिद परभणी यांनी पटकवलाय अँड थर्ड प्राइज अली स्टेट फार्म लातूर यांनी जिंकलाय। बिलकुल प्रयत्न करूत आम्ही। स्वरूप असं होतं की फर्स्ट प्राइज होता 71,000 रुपये नगद, 500 ग्राम चांदीचं मेडल आणि एक आमच्या नाव एआर स्टेट फार्म नावाची ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 51,000 रुपये नगद, 300 ग्राम चांदीचं मेडल आणि एक ट्रॉफी। थर्ड प्राइज 200 ग्राम चांदीचं मेडल, 31,000 रुपये नगद आणि एक ट्रॉफी। प्रेक्षकांना धन्यवाद, आमचा कार्यक्रम सक्सेसफुल केल्याबद्दल आणि जे पार्टिसिपेट्स आणते त्यांना पण धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल।
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती वो खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनके जन्मदिन के मौके पर हिजामा और ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप रखा गया था। खिदमतगार सेवाभावी संस्था और मस्जिद शाहगंज फाउंडेशन परमनी इनकी ओर से हिजामा और ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप आयोजन किया गया। यह हिजामा 1400 साल पुराना थेरेपी है। यह इस्लामी धर्म के अनुसार हिजामा कराना सुन्नत है। हिजामा कराने से कई प्रकार के बीमारियों का इलाज होता है। खिदमतगार सेवाभावी संस्था और मस्जिद शाहगंज फाउंडेशन की ओर से लिए गए हिजामा और ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप के समय आए हुए डॉक्टरों के टीम का और ब्लड ग्रुप टेस्ट के टीम का इस्तकबाल मुफ्ती अब्बास कासमी साहब इन्होंने के हाथों किया गया। कार्यक्रम का आयोजन खिदमतगार सेवा संस्था और मस्जिद शाहगंज फाउंडेशन द्वारा सालाना कैंप का आयोजन किया जाता है। इस हिजामा कैंप और ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप के सैकड़ों तादाद में लोगों ने फ़ायदा उठाते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के अध्यक्ष मस्जिद शाहगंज इमाम मुफ्ती शोएब कासमी साहब, मुफ्ती अब्बास कासमी साहब, खामे नबूवत, खिदमतगार सेवाभावी संस्था संस्थापक अध्यक्ष शेख इसाक, उपाध्यक्ष शामिर अंसारी, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद भाई शकील अंसारी, मोहम्मद शोएब अंसारी, मुसेफ अंसारी, सैयद अबरार खान, इमरान खान अथर, सैयद अख्तर, शेख हारून, इन सबके टीम ने कोशिश करते हुए इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया। प्रोग्राम रखा गया है खिदमतगार फाउंडेशन की ओर से, इसमें जो है तो ब्लड ग्रुप फ्री चेकअप और जो है तो हिजामे का कैंप भी रखा गया है, जिसका रेट सबसे कम रखा गया है कि 40 रुपये पर कप हिजामे का है, और ब्लड ग्रुप टेस्ट फ्री में रखा गया है। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती पर यह प्रोग्राम मुनक़द किया गया था और आप सभी लोगों ने आके हमको साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हिजामा कैंप रखा गया है वो हज़रत टीपू सुल्तान के जो हमें पैदाइश के दिन पे जो खुशी का काम है उसी रखा गया है। और हिजामा ये एक सुन्नत है जिससे 70 बीमारियों का इलाज है और बहुत से भी है जो आजकल मेडिसिन जो एलोपैथी या और कोई अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट, ये जो हिजामा है इससे साइड इफेक्ट नहीं है। और जितने भी टाइप के पेन है, स्पाजम है, मसल स्पाजम और तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब इससे ट्रीट हो रहे हैं। जैसे थायराइड प्रॉब्लम हो गया, लंग प्रॉब्लम, ये सब इससे ठीक होते हैं। और हिजामा बहुत आसान तरीके से हो रहा है आजकल, जो पहले इतना सब सुविधा उपलब्ध नहीं थे जो आज है। पहले लोग इतने परेशानी से, इतने जो टेक्नोलॉजी नहीं थी वगैरह कुछ नहीं था तभी होता था, अब इतना आसान है तो करना चाहिए। दूसरे इलाज करने से अच्छा जो आसानी से इलाज हो रहा बिना साइड इफेक्ट के, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अभी तो अच्छा साथ मिल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर रजना की औरतों की सेहत में बरकत अता फरमाए, और खुसूसन इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाले खिदमतगार सेवाभावी संस्था के जितने भी अराकीन हैं, जिम्मेदारान उन्होंने खिदमत के जज्बे से और खुसूसन इस्लाम को अपने सर पर लिया और अल्लाह के फजल करम से बढ़िए खूबी के साथ, उसने खूबी के साथ इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। ये बड़ी बात होती है, काम शुरू करने को कुछ भी करता है लेकिन पाए तकमील को उसने अंजाम के साथ पहुँचाना, ये बड़ी बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों से इनाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन डॉक्टरों में से घटों में अदा फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्र इस्तेक़ामत और इख़लास के साथ काम करता रहे।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। राज्य के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ये परभणी दौरे पर आने पर उन्हें परभणी के रेलवे स्टेशन के करीब गाड़ियों के आए हुए ताफे को मराठा आरक्षण को लेकर काले झंडे दिखाकर निषेध दर्शाया गया। विजय वडेट्टीवार इन्होंने ओबीसी महासभा के लिए मराठा आरक्षण और मनोज जनांगे इन पर किए गए बातों के बाद सकल मराठा समुदाय आक्रामक हुआ है। दरमियान काले झंडे दिखाने वाले निदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाईलैंड स्थित 6 फुट के बौद्ध मूर्तियों का वितरण और धम्म देशना समारंभ आज तारीख 19 नवंबर 2023 रविवार के रोज परभणी के जिंतू रोड स्थित डीएसएम कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन आश्रय सेवा संस्था गगन मलिक फाउंडेशन, उसी तरह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ हत्यम्बेरे इन्होंने किया। इस कार्यक्रम को कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार इनकी विशेष उपस्थित रही। इस समय थाईलैंड के सिरस्कन मोथन, विजेत वीरे नाना थोपाट, रत्न भरो, हस्तांचार्य प्रभोदेव, जया फोरनन, भदंत उप्त गुप्त महाथेरो, भिक्कू संघ और सीने अभिनेता गगन मलिक, कैप्टन नटकीर थाईलैंड इनकी हाजिरी रही। इस कार्यक्रम को प्रमुख उपस्थिति के तौर में प्रेक्षा भामड़े, विजय वाकुड़े, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, मुकेश बुराड़े, कृति कुमार बुरांडे, प्रवीण मोरे आदि हाजिर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ हत्यम्बेरे इन्होंने कामयाबी के साथ किया। इस समय उन्हें भीमराव शिंगाड़े, डॉक्टर जुतमल, भीमराव खाड़े, भगवान जगताप, प्रकाश डाके, सुधीर कांबड़े आदि ने मेहनत की। चाहे मी जास्त बोलणार नाही, पण मला मुद्दा मी तो सांगायचंय, काही गोष्टी आपण सांगितल्या पाहिजे आणि काही गोष्टी आपण मार्गक्रम करून पुढे गेलो पाहिजे। येणाऱ्या काळामध्ये जसं आपण सांगितलं की सर्व महाराष्ट्रामध्ये जिथं बुद्धिवार होईल तिथं गगनजी मलिक आणि यांच्या संकल्पातून आपण बुद्धमूर्ती 100% देणार आहोत। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।